हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपने इस हिंदी की क्लास में। आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां, जो कि एसएससी जीडी ने 2021 में पूछे थे। टोटल 130 प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम 10 जनवरी 2023 से स्टार्ट है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि जब भी पेपर बनता है तो वो लोग प्रीवियस ईयर को ज़्यादातर टारगेट करके पेपर बनाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो और हाँ, इस क्लास की यदि मैं PDF की बात करूँ, तो वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, और जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे यदि आपको डायरेक्ट सर्च करना है तो सर्च कर लीजिएगा रीजनिंग REASONING रीजनिंग बाय आशीष, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ पाएंगे। और यदि मैं और क्लासेस के बारे में बात करूँ, तो हम लोगों ने पर्यायवाची की क्लास कर ली है, जो कि 2021 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। टोटल 150 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने किया है। और यदि मैं विलोम शब्द की बात करूं, तो विलोम शब्द के हम लोगों ने टोटल 125 या 126 क्वेश्चन किए हैं। और यदि हम बात करें वन वर्ड की, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर हम लिख देते हैं वन वर्ड, तो वन वर्ड हम लोगों ने टोटल यहाँ पर 192 क्वेश्चन किए हैं। और आज हम लोग करेंगे लोकोक्ति एवं मुहावरे, क्या लोकोक्ति एवं मुहावरे, और इसके भी आज हम लोग करेंगे टोटल 130 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट करके कल हम लोग करेंगे रिक्त स्थान या शुद्ध अशुद्ध, ठीक है। दो में से एक टॉपिक उठा के उसको भी एकदम से फिनिश कर देंगे। या तो हम लोग रिक्त स्थान करेंगे या तो हम लोग शुद्ध अशुद्ध करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आप लोग क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने आज की क्लास पे। इससे क्लास पे जाने से पहले मैं आपको मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड दो बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये कि जब भी कभी भी लोकोक्तियाँ और मुहावरों से पेपर आए, तो सबसे पहले जो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जो ऑप्शन पढ़ने में आपको हंसी आ जाए, ध्यान देना, जो ऑप्शन पढ़ने में आपको हंसी आ जाए, वो आंसर कभी भी नहीं होगा। पहली बात तो जो ऑप्शन पढ़ के आपको हंसी आ जाए, वो आपका आंसर कभी भी नहीं होगा। ये बात नोट कर लेना अपने कॉपी में, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन से वर्ड उठा के ऑप्शन में दे दे, वो भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ जो भी होगा वो कोई सार्थक अर्थ ही निकल के आएगा, ठीक है, जो एकदम गंभीरतापूर्वक लिया गया हो। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी ने 16/11/2021 को पूछा हुआ था, वो था कथा के बैगन का मतलब क्या होगा। अब असंभव वस्तु हो सकता है क्या? नहीं सर। इसका मतलब कथा के बैगन का मतलब होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश। और हम बात करें बैगन की, तो बैगन का जो हिंदी में यूज होता है वो होता है अस्थिरता के लिए इसका यूज होता है। तो कथा के बैगन का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, ये हो जाएगा कथा के बैगन, क्लियर है। आगे यहाँ पर आँख लगने का क्या मतलब होगा। आँख लगना, आप देखो इसको पढ़ो, गले पढ़ना कोई अर्थ निकलेगा नहीं, तो इसका गले पढ़ना तो आंसर नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा आँख में दर्द होना, आँख लगना, आँख में दर्द होना, ये तो होएगा नहीं। तीसरी बात करें गहरी नींद आना, यदि इसका हम मुहावरा देखें तो इसका मतलब होता है घोड़े भैंस के सो जाना, एकदम गहरी नींद, जबकि आँख लगने का मतलब होता है आपको झपकी आ गई, थोड़ी सी आपको झपकी आ गई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, यहाँ पर आग में कूदना। अब आग में कूदना, यहाँ पर मूर्ख होना नहीं, अगर आप आग में कूद रहे हो तो आप अपनी जान जोखिम में डाल लो, क्या अपनी जान किस में डाल लो, जोखिम में डाल लो। आग में कूदने का मतलब क्या हो जाएगा, जान जोखिम में डालना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर। आगे अगला यहाँ पर है कलेजा ठंडा होना। तो कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या, बहुत दुखी होगा, नहीं, बहुत दुखी होना तो इसका आंसर नहीं होगा। तो कलेजा ठंडा होना मतलब मन को शांति प्राप्त होना या मन में शांति होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कलेजा ठंडा होना, ठीक है। आगे हम चलें ऑप्शन नंबर 5 पे, तो इसमें है पसीना पसीना होना।
तो पसीना पसीना होना का मतलब क्रोधित होना, जब आप क्रोधित होते हो तो भी आप पसीना पसीना हो जाते हो, ठीक है, जब आप भयभीत होते हो तो भी आप भाई पसीना पसीना हो जाते हो, ठीक है, या आपको या आपका गला सूख रहा हो तो भी आप क्या हो जाएंगे, पसीना पसीना हो जाए, मतलब जब आपको प्यास लगी होगी तो भी आप पसीना पसीना हो जाएंगे, जब आप शर्मिंदा होना जब आप शर्मिंदा हो जाएंगे तो भी आप क्या हो जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे। लेकिन देखो इनमें से सब का अर्थ है पसीना पसीना होना, क्या इनमें से सब का अर्थ पसीना पसीना है, लेकिन यहाँ पर शर्मिंदा होना या लज्जित होना सबसे सटीक यहाँ पर बैठता है पसीना पसीना होने का अर्थ। तो इस वजह से अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शर्मिंदा होना। क्लियर है? अगर शर्मिंदा होना ना होगा तो आप ये ऑप्शन टिक करेंगे, भयभीत होना। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला है खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीना का मतलब क्या होता है, आपको बहुत तेज गुस्सा लगी और आप खून का घूंट पीने का मतलब होता है गुस्सा पचा जाना, ठीक है, गुस्सा तो लगी है आपको लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे, मतलब खून के घूंट पिए जा रहे हैं, ठीक है, गुस्सा लगी है लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे, मतलब गुस्सा पचा जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें, आपे में आना। क्या आपे में आना इसका मतलब क्या होगा, तो आपे में आने का मतलब है होश में आना। यहाँ पर ऑप्शन है मूल्यांकन करना, नहीं परेशान होना, ये भी नहीं है प्रतीक्षा करना या निराश होना, नहीं सर इसके चारों ऑप्शन गलत है। तो आपे में आने का मतलब होता है होश में आना, होश में आना, ठीक है, इसके चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। और ये 18/11/2021 को ये वाला पेपर हुआ था और इसका मतलब होता है होश में आना। लोग कहते हैं नहीं कि तुम अपना आपा मत खो, ठीक है, तुम अपना आपा खो चुके हो, मतलब तुम होश में नहीं हो, तो आपे में आने का मतलब होता है होश में आना। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो अगला है कांटों पर लौटना। तो कांटों पर लौटने का मतलब हो जाएगा बेचैन होना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ है पांव उखड़ना। पांव उखड़ना, अब देखो यहाँ पर गिर पड़ना, नहीं इसको पढ़ने में हमें हंसी आ गई, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगला घायल होना, नहीं पांव उखड़ना, अभी तक तुम पांव जमाए हुए खड़े थे लेकिन अब तुम्हारा पैर क्या हुआ है, हट गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हार कर भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखें हम लोग यहाँ पर, तो अगला है चटनी हो जाना। तो चटनी हो जाने का मतलब क्या होगा, चटनी हो जाने का मतलब क्या होगा, बहुत जल्द खर्च हो जाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चटनी हो जाना। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है अंधेर करना। क्या अंधेर करने का मतलब क्या होगा, अंधेर करने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अन्याय करना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चल रहे, तो यहाँ पर है आदर और निरादर करना। तो आदर और निरादर करने का जो राइट आंसर होगा, आदर और निरादर मतलब पान पनही खिलाना, ठीक है, पान आदर में आता है और पनही किस में आता है, निरादर में आता है। पान का मतलब आदर करना और पनही मतलब जूता, जूता फिर हम लोग क्या करते हैं, निरादर करते हैं, तो आदर और निरादर करना मतलब पान पनही करना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है छठी का दूध याद आना। तो छठी का दूध याद आने का मतलब क्या होता है, तो छठी का दूध याद आने का मतलब बेटा होता है संकट के समय पिछले सुख की याद आना, ना कि दुख की याद आना, ठीक है। अगर आप इस पे लगाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा, संकट के समय जो पिछला तुमने सुख देखा है ना, उसकी याद आने का मतलब होता है छठी का दूध याद आना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है हाथ मलना, ठीक है, यहाँ पर क्या है हाथ मलना, तो हाथ मलने का जो मतलब होगा वो क्या होगा, पछताना। हाथ मलने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पछताना हो जाएगा, जबकि वीरता दिखाना यहाँ पर नहीं होगा, ना तो व्यायाम करना होगा, ना तो संकल्प करना होगा। आगे चलते हैं, इसमें है हुक्का पानी बंद करना। इसका मतलब क्या हो जाए, हुक्का पानी बंद करना या हुक्का पीना होगा क्या, नहीं हुक्का पीना तो होगा नहीं, चकित होना ये होगा क्या इसका आंसर, नहीं ये भी नहीं होना। हुक्का पानी बंद कर देना मतलब तुम्हारा आज से हुक्का पानी बंद, तुम्हें जो करना है वो करो, मतलब जाति से निकालना, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है, इसका सी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे यहाँ पर है एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, मतलब एक तर्कस के तीर होना, नहीं एक पर एक होना ये भी नहीं होगा, मतलब एक ढेले से दो चिड़िया मारना, ठीक है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ढेले से दो चिड़िया मारना, ढेला क्या होता है पत्थर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर है भागीरथ श्रम करना।
भागीरथ श्रम करना। तो जहाँ पर यदि भागीरथ का प्रयोग आ जाए तो मतलब वो होता है कठिन काम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागीरथ श्रम करना, इसका मतलब हो जाएगा मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करना, अथक प्रयास करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अथक मतलब जितना हो सके उससे कहीं ज़्यादा प्रयास करना, ये होता है भागीरथ श्रम करने का मतलब, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रास्ता दिखाना, रास्ता देखने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मूल्यांकन करना, नहीं, परेशान होना भी नहीं होगा, निराश होना भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हारे आने का रास्ता देख रहा था, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आगे आँखें चुराना, आँखें चुराने का मतलब क्या होगा, अगर आपने कुछ गलत काम कर दिया है तो आप किसी से आँखें मिला नहीं पाएंगे, मतलब उस चीज़ को आप लोग अनदेखा करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है बखिया उधेड़ना, ठीक है। बखिया उधेड़ना का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, भेद खोलना, कहेगा ना वो तुम्हारी बखिया उधेड़ दिया, एकदम से उसके सारे भेद खोल दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, बखिया उधेड़ना का मतलब भेद खोलना, क्लियर। आगे चलते हैं यहाँ पर हथियार डालना, हथियार डालने का मतलब होता है पराजय स्वीकार कर लेना, शत्रु को मारना नहीं होगा, क्योंकि जब आप हथियार डाल देंगे तो आप शत्रु को कैसे मार पाएंगे, ठीक है। लड़ाई करना भी नहीं होगा, लड़ाई के बाद आप हथियार डालेंगे, विजयी होना। अब जब आपने हथियार ही डाल दिया तो आप विजयी कैसे हो पाएंगे, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, पराजय स्वीकार करना। आगे है आँख दिखाना, आँख दिखाने का मतलब क्या होता है, होश में आना, नहीं, इसका हो जाएगा गुस्सा प्रकट करना। आँख दिखाने का मतलब क्या होता है, गुस्सा प्रकट करना, ठीक है। आगे अगला है घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर की वस्तु को तुच्छ समझना। अगला क्या, अत्यधिक कंजूस, ये तो होगा नहीं, घर की वस्तु को महत्व देना, नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब होगा घर की वस्तु को तुच्छ समझना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, लाभ के स्थान पर हानि, ये भी नहीं होगा इसके आंसर। आगे चलते हैं, यहाँ पर है लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना, इसका मतलब क्या होगा, फाग का अर्थ है फागुन माह का उत्सव, और लंगोटी में फाग खेलना इसका मतलब हो जाएगा दरिद्रता में आनंद लूटना, लंगोटी में फाग खेलने का मतलब, क्लियर। यहाँ पर दरिद्रता से आपका संबंध हो जाएगा, यहाँ लंगोटी दरिद्रता से संबंध हो जाएगा, फाग खेलना मतलब आनंद लूटना, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है कूच कर जाना, अगला क्या है, कूच कर जाना, तो कूच कर जाने का मतलब होता है मर जाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें, तो चादर से पैर बाहर पसारना, मतलब चादर से पैर बाहर पसारने मतलब है कि आपकी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब आय से अधिक व्यय करना, क्या हो जाएगा, आय से अधिक व्यय करना, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे अगले यहाँ पर देखें, भेड़ बना देना, ठीक है, भेड़ बना देना। अब जैसे भेड़ है, आप उसको जिस ओर कहोगे वो उस ओर चलेगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, वश में कर देना, क्या कर लेना, वश में कर लेना, मन में जगह बना लेना, ये भी नहीं होगा, घोर विपत्ति आना नहीं, दीवार में चुनना नहीं, क्या हो जाएगा, वश में कर लेना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, इसमें सागर, गागर में सागर भरना, क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर भर दिया, ठीक है, उसने एक ऐसी स्पीच दी कि उसने क्या किया, गागर में सागर भर दिया, मतलब थोड़े से बात में बहुत कुछ कहना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है चारपाई पकड़ना। अब आदमी चारपाई कब पकड़ेगा, क्या दुखी होगा तब पकड़ेगा, उत्तेजित होगा तब पकड़ेगा, क्या निश्चित हो जाना कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, जब व्यक्ति बीमार होता है तो क्या पकड़ लेता है, चार पाई। आगे यहाँ पर है मुंह में ठेपी लगाना, मुंह में ठेपी लगाना मतलब मुंह एकदम से बंद कर लेना, तो इसका क्या होगा, मुंह एकदम से बंद कर देना, ठीक है, ढक्कन लगा लेना एकदम, इसका हो जाए खूब बदनाम करना, ये नहीं होगा, कुछ ना बोलने देना, मतलब मुंह में ठेपी देने का मतलब क्या होगा, कुछ भी ना बोलने देना, मतलब मुंह एकदम बंद कर देना, तो बोलने की हिम्मत ना होना, ये तो होगा नहीं, दीनता प्रकट करना, ये भी नहीं होगा, मतलब कुछ ना बोलने देना, मुंह में ठेपी देने का मतलब हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर हवा से बातें करना, तो हवा से बातें करने का क्या मतलब होगा, अकेले रहना, नहीं, हवा से बातें करना मतलब आप उड़ रहे हो, मतलब तेज गति में चलना, क्या हो जाएगा, तेज गति में
चलना, आप हवा से बातें करने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा। ऊंचा उड़ना, ऊंचा उड़ना तो इसका आंसर होगा नहीं। और पंछियों की भाषा समझना, ये तो भाई अलग ही आ गया, ठीक है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। आगे की बात क्या, यहाँ पर हवा से बातें करना ये हो गया है क्या? हाँ ये हो गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर पौ बारह होना, तो पौ बारह होने का मतलब होगा, होता है खूब लाभ होना, ठीक है। पौ बारह होना का मतलब होता है खूब लाभ होना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अपना राइट। आगे चलते हैं, अगला है यहाँ पर कान भरना, तो कान भरने का मतलब क्या होगा? कान भरने का मतलब होता है बेटा बदनाम करना, तो होता नहीं है, सावधान करना भी नहीं होता, प्रभावित करना भी नहीं होता, क्या होगा? चुगली करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है, किनारा। अच्छा यहाँ पर समानार्थी पूछ लिया है क्या, पर्यायवाची यहाँ कैसे आ गया? चलो किनारा किसका होता है? कुल होता है क्या? कुल होता है बेटा वंश, कुल होता है क्या? वंश। और कूल होता है क्या? किनारा। तो इसका क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर केली लिखा है तो केली क्या होता है? कदली होता है, भानुफल होता है, ठीक है। और केतु क्या होता है? झंडा या निशान होता है। ये तो यहाँ पर समानार्थी क्वेश्चन आ गया। चलो यहाँ पर अगला है सिगुफा खिलाना, क्या है? सिगुफा खिलाना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विलक्षण घटना का घटित, विलक्षण घटना का घटित होना, ये होता है सिगुफा खिलाने का मतलब, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और काल्पनिक योजनाएं बनाने का मतलब हो जाएगा ये यहाँ पर हवाई किले बनाना, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका हो जाएगा हवाई किले बनाना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर हो जाएगा फूल झड़ना, तो फूल झड़ने का मतलब क्या होता है? फूल झड़ रहे हैं मतलब प्री वचन बोला जा रहा है, तो प्री वचन बोलना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पतझड़ होना नहीं, फूल झड़ना, तो पतझड़ होना डायरेक्ट इसका हमें विकल्प मिल रहा, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। फूल झड़ना मतलब सुंदर लगना नहीं, मतलब प्रिय वचन बोलना, ये होगा फूल झड़ने का मतलब। आगे है हथेली पर सरसों उगाना, क्या हथेली पर सरसों उग सकते हैं क्या? नहीं उग सकते, मतलब यहाँ पर क्या होगा? असंभव काम को संभव करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना, तो प्रत्येक काम को फूंक फूंक कर करने का मतलब होता है अच्छी तरह से सोच कर, अच्छी तरह से सोच कर कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कटेगा नहीं, चलो ऊपर के दो ऑप्शन नहीं है तो छोड़ दो उसको। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात, इसका मतलब होता है अच्छा ढाक का, ढाक का अर्थ क्या होता है? ढाक का अर्थ होता है पलाश का पेड़, ढाक का अर्थ क्या होता है? ढाक का अर्थ होता है पलाश का पेड़, तो यहाँ पर ढाक के तीन पात का मतलब हो जाएगा सदा एक ही दशा में रहना, क्या हो जाएगा? सदा एक ही दशा में रहना, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर लंगोटी में फाक खेलना, जो दोबारा ये क्वेश्चन आया, ठीक है, रिपीट करिए देखो क्वेश्चन, ठीक है। अभी स्टार्टिंग बताया था ना आपसे कि क्वेश्चन बार बार ये रिपीट करेंगे, तो लंगोटी में फाक खेलना, जल्दी से इसको इसका कमेंट करो क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा दरिद्रता में आनंद लूटना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया मतलब बहुत सारा काम किया और हमें फल कुछ ना मिला, इसका क्या हो जाएगा? दिखावा ही दिखावा करना, नहीं, अधिक परिश्रम के बाद साधारण सा लाभ, ये हो जाएगा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर है गर्दन उठाना, तो गर्दन उठाने का मतलब क्या होता है? ठीक है, अभी तक आपकी गर्दन नीची थी, आप कुछ नहीं बोल रहे थे, आपने गर्दन उठाया मतलब आपने विरोध कर दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला है गुरु घंटाल होना, गुरु घंटाल होना, इसका मतलब क्या होता है? बहुत धूर्त होना, तुम बहुत गुरु घंटाल हो भाई, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम बहुत गुरु घंटाल हो, गुरु घंटाल होने का मतलब क्या होता है? बहुत धूर्त होना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर सब्ज बाग दिखाना, तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, क्या? अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना हो जाएगा सब्ज बाग दिखाने का मतलब, ठीक है ना। आगे हम लोग चलें, अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विष उगलना, तो विष उगलने का क्या मतलब हो जाएगा? द्वेषपूर्ण बात करना, विष उगलना मतलब द्वेषपूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है हवाई किले बनाना, अभी हमने बात की थी इसकी, अभी हमने शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में बात की है इसकी, हवाई किले बनाना, इसका मतलब
इसका मतलब क्या होगा, मात्र कल्पना करते रहना, ये होता है हवाई किले बनाने का मतलब। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या, हवा में किले बनाना नहीं, हवा से किले बनाना नहीं, हवाई जहाज से किले बनाना नो, क्या हो जाएगा, मात्र कल्पना करते रहना। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है चूना लगाना। चूना लगाने का मतलब क्या होता है, चूना लगाना, वो आया और चूना लगा के चला गया, मतलब धोखा देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलें, अगला है भागीरथ प्रयत्न। हमने क्या कहा, जब भागीरथ की जहाँ पर बात है मतलब अथक प्रयास, बहुत ज़्यादा प्रयास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारी कोशिश। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला इसमें प्रयास न करना, उनकी कोशिश, थोड़ा प्रयास नहीं, भारी कोशिश, ये हो जाएगा भागीरथ प्रयत्न। आगे की बात करें, कमर कसना। कमर कसने का मतलब क्या होता है, तैयार होना। कमर कसने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तैयार होना, भाई अपनी अपनी कमर कस लो, तैयार हो जाओ, अब युद्ध में चलना है। ठीक है, आप लोग को नौकरी मिल गई, अब चलना है आपको युद्ध में। ठीक है, तो अपनी अपनी कमर कस लो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है जी को रोग लगाना। किसको, इसको जी को रोग लगाए, बताओ जल्दी से। तो जी को रोग लगाना मतलब किसी की फिक्र में रहना, इसका मतलब होता है जी को रोग लगाना। ठीक है ना, आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आँख खुलना। तो आँख खुलने का मतलब क्या होता है, क्रोध होना, सोकर उठना, नहीं सोकर उठना नहीं होगा, ना तो क्रोध होना होगा, सावधान होना होगा क्या, तो आँख खुलने का मतलब हो जाएगा अपनी आँखें खोल लो, मतलब सावधान हो जाओ। ठीक है, जानकार होना, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सावधान होना। आगे चलते हैं, पत्थर की लकीर होना मतलब बात पक्की होना, पत्थर की लकीर, मेरी बात पत्थर की लकीर है, मतलब अगर मैंने जो बात कह दी वो मैं करूँगा। ठीक है, तो पत्थर की लकीर होने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बात पक्की होना। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकने का क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो जाएगा व्यर्थ समय खोना। भाड़ झोंकना का मतलब व्यर्थ समय खोना, क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, यहाँ पर होगा नाक कटना। नाक कटने का मतलब तुमने मेरी नाक कटवा दी, मतलब बदनामी में होना, मतलब बदनामी होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे उल्टे पांव लौटना। उल्टे पांव लौटना मतलब तुम गए और तुमको वहाँ से तुरंत आना पड़ा, तुम्हें कोई भगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप निराश हो जाओगे। उल्टे पांव लौटना, गए और तुरंत वहाँ से वापस हो जाए, मतलब इसका क्या हो जाएगा, निराश होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे क्या, सांप छछुंदर की गति होना। तो सांप छछुंदर की गति होने का क्या मतलब होता है, असमंजस की स्थिति में होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट होगा। तुरंत भाग जाना नहीं, विस्तृत अनुभव हुआ ये भी नहीं होगा, गुपचुप हो जाना नहीं, क्या होगा, असमंजस की स्थिति होना। आगे चलते हैं, यहाँ पर आँखों में सरसों फूलना। तो आँखों में सरसों फूलने का मतलब होता है, क्या है ना, तुम्हारी आँखों में सरसों फूला हुआ है। ठीक है, मतलब विवेक ना होना, क्या ना होना, विवेक ना होना। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छप्पर फाड़ कर देना। क्या छप्पर फाड़ कर देना मतलब बिना प्रयत्न लाभ होना, कहेंगे भगवान हमें छप्पर फाड़ के इतनी दौलत दे दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिना प्रयत्न लाभ होना। आगे चलते हैं, यहाँ पर है आंखें नीची होना। आंखें नीची होने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा लज्जित होना। जब आप लज्जित होते हो तो वहाँ पर आपका क्या होता है, आंखें नीची हो जाती है, तो आंखें नीची होने का क्या मतलब होता है, लज्जित होना, क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन है मन मैला करना। तो मन मैला करने का मतलब क्या होना, खिन्न होना। ऑप्शन नंबर 20 का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मन मैला करना, खिन्न होना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। मतलब सब लोग एक साइड और एक बंदा एक साइड, तो अपना क्या कर रहा है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुमत से अलग होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा झूठी धमकी। गीदड़ भभकी का मतलब झूठी धमकी, कोई तुमको झूठी धमकी दे रहा, मतलब गीदड़ भभकी। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर उल्टी गंगा बहना, मतलब प्रतिकूल कार्य करना। अनुकूल तो भाई सीधी गंगा बहती, तो अनुकूल काम, उल्टी गंगा बह रही तो मतलब प्रतिकूल कार्य, क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नाको चने चबाना। तो नाको चने चबाने का मतलब क्या हो जाएगा, तंग रहे, तंग करना। क्या, नाको चने चबवाना मतलब तंग करना, क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की, तो क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर है तीन तेरा करना।
तीन तेरह करना, कहेंगे नहीं तुम तीन तेरह ना करो ज़्यादा, मतलब इधर उधर करना। तो तीन तेरह का मतलब क्या, यहाँ पर क्या होगा, इधर उधर करना। जैसे नौ दो ग्यारह होना, नौ दो ग्यारह होने का मतलब क्या होगा, भाग जाना। वैसे तीन तेरह करने का मतलब होता है इधर उधर करना, पौ बारह करना, अत्यधिक लाभ होना। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। यहाँ पर ईद का चांद होना, मतलब दिखाई ना देना, मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें, मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होगा, रिश्वत देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुट्ठी गर्म करने का मतलब रिश्वत देना। आगे की बात करें, यहाँ पर देखो अगेन भाड़ झोंकना आ गया। क्या अगेन भाड़ झोंकना, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, सेकेंड बार आया ये, मतलब समय व्यर्थ खोना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलें, यहाँ पर है मुहावरे के सही युग्म का चयन करें। तो इसमें क्या है, आग लगना, आग लगने का मतलब यहाँ पर इन्होंने दिया है धोखा देना। ठीक है, जबकि आग लगना का मतलब क्या होता है, झगड़ा कराना। ठीक है, और यहाँ पर आँख दिखाना, आँख दिखाना का मतलब होता है धमकी देना या गुस्सा करना। ठीक है, और आँख बिछाना का मतलब होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। और यहाँ पर आँख में चर्बी छाना का मतलब होता है घमंड से चूर हो जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर बात करें, पौ बारह होना, आ गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, खूब लाभ होना। ये भी आपका दोबारा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन सारे रिपीट करने लगे, अब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, यहाँ पर अगला है गर्दन पर सवार होना, मतलब पीछा ना छोड़ना। ठीक है, पीछा ना छोड़ना है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है माथा ठनकना, क्या ना, मेरा माथा ठनक गया है, मतलब संशय में होना, संशय होना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 है चुल्लू ओ लहू पीना, लहू का मतलब क्या होता है, खून। तो चुल्लू ओ लहू पीना का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बहुत कष्ट देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत कष्ट देना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला यहाँ पर है क्रोध से लाल हो जाना, मतलब आग बबूला होना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, क्रोध से लाल हो गया, वो है व्यक्ति क्रोध से लाल हो गया, मतलब आग बबूला हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे की बात करें, यहाँ पर दिन दूना रात चौगुनी, दिन दूना रात चौगुनी, भाई तुम्हारा तुम्हारी दिन दूनी हो रात चौगनी हो, मतलब तुम खूब उन्नति करो। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना, किसी के सर देखो पगड़ी कहाँ रखी जाती है, सर, और अब पगड़ी उछाल दो, मतलब किसी को अपमानित कर रहे हो, किसी को अपमानित कर रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और पगड़ी पहनाने का मतलब क्या होगा, सम्मानित करना। ठीक है, आगे यहाँ पर मीठी छुरी चलाना, तो मीठी छुरी चलाने का मतलब होता है विश्वासघात करना, मीठी मीठी बातें करना और फिर विश्वासघात करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है गाल फुलाना। तो गाल फुलाने का मतलब क्या हो जाएगा, तो गाल फुलाने का मतलब हो जाएगा कोई तुमसे रूठ गया है, कोई गाल फुला लिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे अगला है जूतियों में दाल बांटना। ठीक है, क्या है, जूतियों में दाल बांटना, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर पापड़ बेलना, पापड़ बेलने का मतलब क्या होता है, बहुत मतलब कठिन काम करना, या पीछे पीछे पड़ना, या बहुत श्रम करना, या बेकार जीवन बिताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकार जीवन बिताना, किसका, पापड़ बेलने का मतलब। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है पानी फेर देना, मतलब काम बिगाड़ देना, बना हुआ काम पे तुमने क्या किया, पानी फेर दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सिर पर आफत लेना, आफत सिर पर लेना, आफत सिर पर लेना का मतलब क्या होगा, समस्या का सामना करना नहीं, स्वागत करना भी नहीं होगा, तंग करना भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, झगड़ा मोल लेना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है उसने तो पिता की नाक कटवा दी। दोबारा क्वेश्चन आ गया ना, फिर रिपीट कर गया, बताओ नाक कटवाने का क्या मतलब होगा, नाक कटवाने का क्या मतलब होगा, जल्दी से बताओ नाक कटवाने का मतलब, अभी आपने पढ़ा है ना, क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है अंधेरे में तीर चलाना, मतलब अंधेरे में तीर चलाओगे, लक्ष्यविहीन प्रयास करोगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुलेमित नहीं है। तो कलम ना रुकना, इसका क्या मतलब होगा, लिखते ही रहना, ये तो ठीक है सर, कलम कसाई,
तो कलम कसाई का क्या मतलब होगा? कलम को तोड़ने वाला, ठीक है। और यहाँ पर कलम दान देना का क्या मतलब होगा? लिखने की नौकरी देना, ठीक है। तो यहाँ पर है कलम कसाई, मतलब कलम को तोड़ने वाला, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका हो जाएगा बहुत सुंदर लिखना। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कलम कसाई का मतलब ये नहीं हो कि भाई कलम को पाओ और उसको तोड़ दो, इसका मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना, ठीक है। ये सुलेमित नहीं है। कौन सुलेमित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर है नमक हलाल। तो नमक हलाल का क्या मतलब होगा? भोजन भट्ट नहीं, दुश्मन भी नहीं होगा, धोखेबाज भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कृतज्ञ, उपकार मानने वाला या एहसान मंद, ठीक है, वो होता है कृतज्ञ। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रंग लाना। तो रंग लाने का क्या मतलब हो जाएगा? मतलब प्रभाव उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, रंग लाने का मतलब। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला है दाहिना हाथ होना। कहेंगे नहीं वो मेरा दाहिना हाथ है, मतलब बहुत सहायक होना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलें तो यहाँ पर है टस से मर्स ना होना, मतलब शक्ति पर विश्वास करना होगा क्या, रुक जाना होगा क्या, तनिक भी प्रभावित ना होगा, कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करो। तो इसका हो जाएगा तनिक भी प्रभावित ना होना, मतलब टस से मस ना होना, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पहाड़ टूटना। तो पहाड़ टूटेगा, टूटने का क्या मतलब? कहेंगे ना मेरे सर पे भाई पहाड़ टूट गया, मतलब यहाँ पर बहुत भारी कष्ट आ पड़ना, ये होता है भाई पहाड़ टूटने का हम मतलब। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है हाथ पैर मरना। ये सेकेंड बार पूछा गया है आपसे। तो हाथ पैर मरने का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना या छीना झपटी करना या प्रयत्न करना। हाथ पैर मलने का मतलब होता है प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे इसमें नाक भौं सकोड़ना, ठीक है, सिकोड़ना, सकोड़ना नहीं, नाक भौं सिकोड़ना। तो नाक भौं सिकोड़ने का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है घृणा करना। जब कोई आपसे घृणा करता है तो अपनी नाक भौं ये सब सिकोड़ता रहता है, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पट्टी पढ़ाना। तो पट्टी पढ़ाने का क्या मतलब होता है? पट्टी पढ़ाने का मतलब होता है भाई बुरी सलाह देना। वो पट्टी पढ़ा रहा है तो मतलब बुरी सलाह में दे रहा है। आगे की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कलेजे का टुकड़ा। क्या है? कलेजे का टुकड़ा। तो कलेजे का टुकड़ा क्या होता है भाई? अत्यधिक प्रिय कलेजा, अत्यधिक प्रिय कलेजे का टुकड़ा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ ये हो जाएगा अत्यधिक प्रिय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चले, यहाँ पर है पानी का बतासा होना। अब पानी का बतासा कैसे होता है? उसको छुओ वो टूट जाता है, तो मतलब क्षण भंगुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है पल्ला पकड़ना। पल्ला पकड़ना, तो पल्ला पकड़ने का मतलब होता है यहाँ पर सहारा देना, सॉरी सहारा लेना। पल्ला पकड़ने का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर? सहारा लेना। क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पर है भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनने का मतलब क्या हो जाए? सहम जाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है भाड़ झोंक झोंना, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा आपका व्यर्थ समय खोना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा मतलब पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, ठीक है। वो पंडित है फिर भी वहाँ पर क्या है? मूर्खता का आचरण वहाँ पर है, मतलब पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। इसका क्या हो जाएगा? चिराग तले अंधेरा, ठीक है। बेतुकी बातें करना नहीं होगा, राय देना भी नहीं होगा, घबराना भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब ज्ञानी के घर में अज्ञानता की बात, ये होगा चिराग तले अंधेरा। आगे फट पड़ना, तो फट पड़ने का क्या मतलब हो जाएगा? मतलब एकदम गुस्से में हो जाना, एकदम गुस्से में हो जाना, आग बबूला हो जाना, एकदम गुस्से में हो जाना, फट पड़ने का मतलब हो जाएगा। आगे क्या है? अगला है यहाँ पर मुंह पकड़ना। तो मुंह पकड़ना, अभी अपने एक क्वेश्चन देखा है, दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। मुंह पकड़ने का मतलब हो जाएगा बोलने ना देना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसमें है कि कौन सा विकल्प में मुहावरे और उसका अर्थ सुलेमित नहीं है, ठीक है। तो किस मुहावरे में सुलेमित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इसमें नानी मरना। तो नानी मरना का मतलब हो जाएगा यहाँ पर होश में ना रहना, ये सर तो सही है, ठीक है। ये सर यहाँ पर तो क्या है? सही है। और यहाँ पर अगला है पौ बारह होना, अत्यधिक लाभ होना, 3-5 करना, हुज्जत करना, ठीक है। यहाँ पर 3-13 होना, इस पर लिखा तय करना, जबकि इसका मतलब होता है तितर बितर होना, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सती सावित्री होना। तो सती सावित्री मतलब पतिव्रता। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे की बात करें, यहाँ पर अच्छा बुरा सबको एक सा समझना।
मतलब सबके एक डंडे से हाँकना, यहाँ पर सब धान 22 पसेरी होना, या सब जो बाग नजर आना, या सब नौबत होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब धान 22 पसेरी होना। इसका मतलब होगा अच्छा बुरा सबको एक सा समझना। क्लियर। आगे इसमें है, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें, उस पर कई घड़े पानी पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सूटेबल होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो घड़े है ना, तो घड़े की जगह पर आप लोग क्या कर लो, घड़ों कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस पर कई घड़ों पानी पड़ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। वैसे रिक्त स्थान का क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आ गया हा? चलो आगे देख लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ पर क्या है, काले तिल चबाना। तो काले तिल चबाने का मतलब आपका हो जाएगा पराधीन होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पानी का बुलबुला होना। पानी का बुलबुला क्या होता है भाई, क्षण भंगुर हो जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है। तो पानी का बुलबुला ऑप्शन नंबर बी, क्षण भंगुर होना। आगे की बात क्या है, यहाँ पर है मोहर लगा देना। मोहर लगा देना का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर मेरी मोहर लग गई है, मतलब हमने यहाँ पर पुष्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मोहर लगा देना का मतलब क्या हो जाएगा, पुष्टि करना। आगे यहाँ पर आंखें दिखाना कितनी बार आया है, देखो आंखें दिखाना कितनी बार आया है बताओ, इसका क्या मतलब हो गया, बहुत गौर से देखना नहीं, आंखें दिखा रहे हो गुस्सा कर दो तो गुस्सा करने के सेंस में आएगा। आंखों में रोग होना नहीं, शर्म करना नहीं, आंखें दिखा रहे हो तो शर्म कैसे करोगे, यहाँ पर क्या है रूखापन। तो रूखापन अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर घूस तय करना। तो घूस तय करने का मतलब हो जाएगा दरबार बांधना। आपने घूस एकदम तय कर लिया, मतलब आपने पूरा दरबार बांध लिया, तो दरबार बांधना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 110। 111 की बात की हो तो यहाँ पर हवा से बातें करना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ दौड़ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब हवा से बातें करना, बहुत तेज़ दौड़ना। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है लोहा मानना। तो लोहा मानने का जो अपना क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो क्या होगा। तो इसमें क्या, प्रतिरोध करना नहीं, यहाँ पर शत्रुता करना ये भी नहीं होगा, अधीनता स्वीकार करना नहीं। लोहा मानना का मतलब होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक है, आगे अगला यहाँ पर है सिर उठाना। तो सिर उठाना का मतलब क्या होता है, विरोध में खड़ा होना। अभी इसकी बात हमने की है, ये देखो ये दूसरी बार आ गया ना। चलो यहाँ फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है आकाश के तारे तोड़ना। अब ये संभव काम है क्या, आकाश क्या आप आकाश से तारे तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते, मतलब असंभव बात। तो असंभव काम करना मतलब आकाश से तारे तोड़ना। क्लियर है, आगे की बात करें तो अगला है पर निकलना। पर निकलने का मतलब अपनी मर्जी जो काम वो करो। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा स्वच्छंद हो जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है खून सफ़ेद हो जाना। तो खून सफ़ेद हो जाना मतलब दया ना रह जाना, एक भी दया नहीं है, उसका खून पूरा सब पूरा उसका मतलब खून सफ़ेद है, मतलब खून सफ़ेद हो जाना मतलब दया ना रह जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे की बात करें यहाँ पर आँखें चार होना। तो आंखें चार होने का यहाँ पर क्या मतलब होगा, तो मतलब आमने सामने होना, आंखें चार आमने सामने होना। घूरना तो होगा नहीं, लज्जित होना भी नहीं होगा, आकर्षित होना भी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर आमने सामने होना। आगे चलते हैं, यहाँ पर है मुंह धोवाना। मुंह धोवाने का यहाँ पर क्या मतलब होगा, मतलब आशा ना रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाना है। क्लियर, आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आँख लगना। दूसरी बार आ गया ना, तो आँख लगने का मतलब क्या आ जाना, क्या हो गया, इशारा करना तो होगा नहीं, आँख लग रहा है अभी, नींद के संबंध में है तो नींद आ जाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन राइट आंसर हमारा हो जाएगा। या तो झपकी लगना, ये भी इसका राइट आंसर होता है, लेकिन ये ऑप्शन में था नहीं। किसी के प्रति आकर्षित होना ये भी नहीं होगा, और धोखा खाना भी अपना क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर हाथी हथेली पर दही जमाना। तो क्या होगा, साधारण काम समझना, या मात्र कल्पना करते रहना, छीन लेना, या बहुत उतावली करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत उतावली करना। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे यहाँ पर है म्याऊं की ठौर पकड़ना। तो म्याऊं की ठौर पकड़ने का मतलब हो जाएगा जोखिम में कार्य करना। ठीक है, क्या जोखिम का कार्य करना, आपने म्याऊं की ठौर पकड़ ली, जो ठौर पकड़ ली आप करके रहोगे, मतलब जोखिम का कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है नींद उड़ जाना। इसका क्या मतलब होता है, नींद जाती रहना, नहीं ये तो होगा नहीं।
नींद उड़ जाना का मतलब नींद उचाट करना ये भी नहीं होगा, अत्यंत सहन करना ये भी नहीं होगा, यहाँ पर जरा भी नींद ना आना एक ही सार्थक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर आँख का काजल मतलब अत्यंत प्रिय, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अत्यंत प्रिय। आगे चलते हैं, 124 नंबर की बात करें तो होश उड़ना, होश उड़ने का मतलब यहाँ पर क्या, अयोग्य होना नहीं, सफल होना नहीं, सपने देखना ये भी नहीं हो, क्या होगा डर जाना, आपके होश उड़ गया मतलब तुम एकदम डर गए, ठीक है। आगे अगला है यहाँ पर मुहावरों और उनके अर्थ युक्त सही युग्म की आपको पहचान करना है। तो पहला है आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना, ये तो भाई अपना 100% राइट है। दूसरा है अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना मतलब मुसीबत मोल लेना नहीं, इसका मतलब होता है भाई इनकार करना, इनकार करना, ठीक है। आगे अंगारे सिर पर धरना, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर शांत में रहना, जबकि इसका मतलब होता है बड़ी आपत्ति को सहना, इसका मतलब होता है बड़ी आपत्ति को सहना। और लाभ छपना, अंबर के तारे गिनना, अच्छी नींद आना मतलब नींद ना आना, तारे कैसे गिनोगे जब आपको नींद नहीं आएगी, तो अंबर के तारे गिनना का मतलब क्या होगा, नींद नहीं आना, ठीक है। आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है गले का हार होना। अब देखो आँख का काजल बोलो या गले का हार बोलो, ठीक है, या ईद का चांद बोलो, तो सबका मतलब क्या होता है, अत्यंत प्यारा मतलब बहुत प्यारा होना, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पहाड़ टूटना, तो पहाड़ टूटने का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा, पहाड़ टूटना सेकंड बार आया क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से, मतलब भारी विपत्ति आना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ए, ठीक है, पहाड़ टूटने का मतलब भारी विपत्ति आना। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला है हाथ मलना, हाथ मलने का मतलब क्या होता है, हाथ मल लो बैठ के, अब जब कुछ काम नहीं हुआ है पछतावा होना, क्या हो जाएगा, पछताना, ठीक है, कोई काम करो आप कर रहे थे वो हुआ नहीं, बाद में पछता रहे हो आप लोग हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पछताना, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे अगला है आँखों में धूल झोंक झोंना, ठीक है, आँखों में धूल झोंकना लगभग ये होता है, ठीक है, झोंक झोंना वैसे नहीं है, क्या है, आँखों में धूल झोंकना सिंपल से, तो आँखों में धूल झोंकने का क्या मतलब होगा, धोखा देना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे की बात करें तो अगला है 130 नंबर क्वेश्चन और शायद आज का लास्ट ही है, ठीक है, शायद क्या लास्ट ही है, ठीक है, तो यहाँ पर है द्योता कूच कर जाना, तो द्योता कूच कर जाना इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा घबरा जाना, ठीक है, घबरा जाना, ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 130 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लिए हैं और ये आप लोग एक बार रिवाइज कर लो तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, एकदम रट जाएंगे, ठीक है। और रही बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है वो है पर्यायवाची की, पर्यायवाची मत भूलना, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। और दूसरा वन वर्ड में हमने लगभग 192 क्वेश्चन किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेना जितनी जल्दी हो सके, तो आपको एक भी क्वेश्चन पे दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 40 मिनट में ही क्वेश्चन सारे किए हैं, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और इस क्लास पे आप लोग कमेंट यहाँ पर वो कर देना कि अगली क्लास कौन सी रखी जाए, यहाँ पर रिक्त स्थान की क्लास रखी जाए या शुद्ध अशुद्ध की क्लास रखी जाए, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करो तो हम उसी क्लास को यहाँ पर अगेन कल की क्लास हम लोग उसी की रखेंगे, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये कमेंट कर देना और सभी को इसको शेयर कर दो, ठीक है ना?